मधुपुर नाम के एक गांव में सौरभ नाम का एक आदमी अपनी बीवी अंजलि के साथ रहता है। सौरभ रोज काम पे जाता है और जो रुपए मिलते हैं उसमें अपना और अपनी बीवी का गुजारा करता है। एक दिन सौरभ रोज की तरह काम पे जाता है, लेकिन काम पे उसकी जरूरत नहीं रहती, इसलिए उसका मालिक उसे वापस घर भेज देता है। सौरभ घर वापस चला आता है और नाराज बैठकर सोचता रहता है। उसकी बीवी अंजलि सौरभ का खाने का डिब्बा देखकर उसे कहती है, सुनिए, आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपके मनपसंद अंडा बिरयानी बनाई थी। अरे कैसे खाना खाऊं? अगर ऐसे ही रोज काम से निकाला जाऊंगा तो खर्चे के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? अरे आप भी ना, खाने पे गुस्सा निकालने का क्या मतलब? खाने ने आपका क्या बिगाड़ा है? नौकरी क्या आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी अंडा बिरयानी गरम करके देती हूँ, आप गर्मा गर्म खा लो। अंजलि डिब्बे से अंडा बिरयानी निकालती है, लेकिन घर में दूसरा साफ बर्तन खाली ना होने के कारण वो एक मिट्टी के मटके में बिरयानी को गर्म करती है और सौरभ को देती है। बिरयानी खाते ही सौरभ अंजलि से कहता है, अरे अंजलि ये क्या है, आज की अंडा बिरयानी तो रोज से ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, क्या डाला तुमने इसमें? कुछ स्पेशल मसाला डाला है क्या? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, रोज की तरह ही तो बनाई है अंडा बिरयानी, कोई स्पेशल मसाला वसाला नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ स्पेशल मसाला डाला है तुमने, लेकिन अंडा बिरयानी का ये स्वाद कुछ अलग और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ गया आज मटका अंडा बिरयानी खाकर। सौरभ की ये बातें सुनकर अंजलि को एकदम से एक आइडिया आ जाता है और वो सौरभ से कहती है, अरे वाह, सुनो जी, आप जो इस अंडा बिरयानी को मटका अंडा बिरयानी नाम दिया है ये तो बहुत अच्छा है, क्यों ना हम दोनों मिलकर ये अंडा बिरयानी का छोटा सा होटल खोले और मटका अंडा बिरयानी बेचे, आपको क्या लगता है? बात तो ठीक कही है तुमने अंजलि, लेकिन होटल कहाँ खोलेंगे और इतने पैसे कहाँ है हमारे पास होटल खोलने के लिए? अरे आप ना एक काम कीजिए, गांव में एक चक्कर लगाइए, आपको एक ना एक ऐसा होटल या ढाबा जरूर मिलेगा जो खाली पड़ा है, फिर उसके मालिक से इस बारे में बात कर लीजिए। ठीक कहा तुमने अंजलि, वाह तुम तो बहुत होशियार हो, मुझे सच में नहीं पता था, बीवी अगर इंटेलिजेंट हो तो घर को जन्नत बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी गांव में चक्कर लगा कर देखता हूँ कि कौन सा होटल या ढाबा खाली है। ये बोलकर सौरव गांव में खाली होटल देखने के लिए निकल पड़ता है। उसे गांव के एक चौराहे में ढाबा खाली दिखता है। वो उसके मालिक से बात करता है, सुनिए मालिक, क्या आपका ढाबा खाली है? मुझे एक बिरयानी सेंटर के लिए किराए से चाहिए था। हाँ खाली है, लेकिन 20,000 रुपए किराया लूंगा, मंजूर है तो बोलो। मालिक अगर कुछ महीने हमसे कम किराया लेंगे तो अच्छा होगा, फिर फायदे में आते ही आपको किराया देना शुरू करूंगा। सौरभ की ये बातें सुनकर ढाबे का मालिक जोर जोर से हंसने लगता है और अपने साथियों को कहता है, ये देखो भाइयों, इसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है और ये धंधा करने निकला है। अरे जा रे भाई जा, तू ना एक काम कर, छोटे छोटे मटके में बिरयानी बेच, उसके लिए तुझे ना किसी जगह की जरूरत रहेगी और ना ही किसी होटल की। बेचारा सौरभ नाराज होकर वहां से घर जाते रहता है, लेकिन तभी उसे एक छोटे ठेले पर एक आदमी छोटे छोटे मटके को बेचता दिखता है। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो बिरयानी सेंटर शुरू करने की तैयारी करता है। दूसरे दिन गांव के चौराहे में दोनों मिलकर एक ठेला लगाते हैं और बड़े मटके में अंजलि बिरयानी बनाती है। सौरभ छोटे छोटे मटके में अंडा बिरयानी को परोसता है, तभी एक आदमी उनके ठेले पर आता है। अरे भाई एक बिरयानी देना। वो आदमी अंडा बिरयानी खाता है, खत्म होते ही दूसरी बुलाता है, लेकिन उसका मन ही नहीं भरता और वो कहता है, अरे भाई क्या गजब की बिरयानी बनाई है आपने, ऐसी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई, 2 बिरयानी पैक करके देना, घर में लेकर जाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर दूसरे लोग भी मटका अंडा बिरयानी खाने के लिए भीड़ करते हैं और सब लोग तारीफ करते खाते हैं। इस तरह से रोज अंजलि मटका अंडा बिरयानी बनाती है और सौरभ बिरयानी को छोटे छोटे मटके में परोसता है। थोड़े ही दिनों में उनका होटल भी खुल जाता है और दोनों अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं।
बुलंदशहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था पुरुषोत्तम। पेशे से वो एक किसान था और उसके तीन बेटे थे जिनका नाम अजय, विजय और सुजय था। लेकिन तीनों के तीनों निकम्मे और बेहद ही नालायक थे। तीनों कुछ काम धाम नहीं करते थे और दिन भर घर पे पड़े रहते थे और सोते रहते थे। ये देखकर पुरुषोत्तम ने एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया और अरे सुनो बेटा, अजय, विजय और सुजय, जरा यहाँ आओ मेरे पास। जी पिताजी, कहिए, आपने क्यों बुलाया? मेरे प्यारो बच्चों, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मैं तुम तीनों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी पिताजी, कहिए, आप क्या बताना चाहते हैं? देखो बेटा, मेरे पिताजी यानी कि तुम्हारे दादाजी गांव के बहुत अमीर आदमी थे। उनके पास काफी जमीन थी, कई लोग उनके पास नौकर जाकर थे, लेकिन वक्त से हम बहुत गरीब हो गए और हम यहाँ आ गए। वो तो ठीक है पिताजी, हमें ये सब मालूम है, असल बात बताइए ना। हाँ बेटा हाँ। तो जब हम इस गांव में आए, उस वक्त मेरे पिताजी ने उनके पास जितना भी रुपया था उसे सोने के सिक्कों में बदल लिया और हमारे ही खेत में कहीं दफन कर दिया, क्योंकि उस वक्त चोरों का सिलसिला बहुत ज्यादा था। लेकिन बेटा, वो सोना ना मैं खोज सका ना कोई और, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब इस दुनिया से निकल जाऊँ। इससे पहले ये राज तुम तीनों को बता दूँ और मरने से पहले चारों धाम की यात्रा कर लूँ। एक बात ध्यान में रखो बेटा, अगर तीन दिन के बाद अगर सोना नहीं निकला तो ये गेहूं के दाने खेत में डाल देना, फिर तीन महीने के बाद फिर से खुदाई करना, देखते रहना बीच बीच में जाकर कि कहीं सोना ऊपर तो नहीं आया। ये बात बताकर पुरुषोत्तम जी दूसरे ही दिन यात्रा पे निकल जाते हैं। इधर तीनों बेटे खेत में जाते हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं जैसा कहूंगा वैसा ही दोनों ने करना है, ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम कहोगे। देखो, हम तीन लोग हैं, हम तीनों खेत के अलग अलग हिस्से में खुदाई करेंगे और फिर जिसे जिसे सोना मिलेगा वो एक जगह इकट्ठा करके उसके बराबर हिस्से करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया, आपने सही कहा। तो ठीक है, विजय तुम खेत में पूरब में खुदाई करो और सुजय तुम खेत में पश्चिम में खुदाई करो। और भैया, आप कहाँ खुदाई करोगे? मैं यहाँ बीच में से खुदाई करूंगा ताकि तुम दोनों पे ध्यान रख सकूं और तुम्हें अच्छे से मार्गदर्शन कर सकूं। ठीक है भैया। तीनों भाई बड़ी मेहनत से खुदाई करते हैं। पहला दिन जाता है, दूसरा दिन जाता है और तीसरा भी दिन जाता है। फिर रात को घर में सब बातें करते हैं। अरे भाई, हम तीनों इतने दिनों से खेत में खुदाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी तो नहीं मिला अभी तक। कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया था और उसने हमारे आने से पहले ही आके पूरा सोना निकाल लिया होगा। अरे नहीं नहीं सुजय, ये बात बाबूजी के सिवा किसी को भी पता नहीं है, इसलिए आखिर वक्त में बाबूजी ने ये बात सिर्फ हमको बताया। और क्यों नहीं बताएगा, हम तीनों बेटे जो है उनके। हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक कहा आपने। और भूल गए, पिताजी ने क्या कहा था कि अगर तीन दिन के बाद भी सोना नहीं निकला तो ये गेहूं के दाने खेत में डालना है और फिर तीन महीने के बाद फिर से खुदाई करना है। अरे हाँ बड़े भैया, हम तो दोनों ये बात भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपने ये बात याद रखी। तो फिर कल से हम खेत में जाके खुदाई करके गेहूं के दाने वहां डाल देंगे। ठीक कहा भैया। अगले दिन तीनों भाई फिर से खेत में जाते हैं, अच्छे से खुदाई करते हैं और अंत में गेहूं के दाने डाल देते हैं। फिर तीनों भाई इसी बीच जाकर देखते रहते हैं कि सोना कहीं ऊपर तो नहीं आया,
लेकिन मायूस होकर घर लौटते थे। फिर 3 महीने के बाद उनके पिताजी पुरुषोत्तम जी यात्रा से वापस आते हैं। तीनों बेटे पिताजी के पास जाते हैं। अरे पिताजी, अब आ गए? ये आपने क्या किया पिताजी? क्या हुआ अजय बेटा, क्यों इतने परेशान हो? पिताजी, आपने कहा था कि खेत में खुदाई करो, सोना ऊपर आएगा। हमने किया लेकिन नहीं आया। और जैसा कि आपने ही कहा था, अगर नहीं मिला तो गेहूं के दाने डालो और 3 महीने के बीच बीच में जाकर देखना। वो भी किया, फिर भी सोना नहीं आया। कौन कहता है बेटा कि सोना नहीं आया? पिताजी, हम सही कह रहे हैं, सोना नहीं आया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलो मेरे साथ खेत में। तीनों भाई पुरुषोत्तम के साथ खेत में जाते हैं। देखिए पिताजी, सुजय ने पश्चिम में और विजय ने पूरब में खुदाई की और मैंने बीच में खुदाई की, लेकिन कोई सोना नहीं निकला। ऊपर से ये घास इतना बढ़ गए। अरे बेटा, ऐसे कैसे नहीं निकला सोना? और ये कोई घास नहीं है, यही तो है सोना, असली सोना। क्या क्या कहा पिताजी? भला ये हरी भरी घास सोना कैसे हो सकता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, दरअसल यहाँ पे कोई सोना गड़ा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर सोना नहीं निकला तो गेहूं के दाने डालकर बीच बीच में देखते रहना, है कि नहीं? जी पिताजी। तो बेटा, ये जो हरी भरी घास है, ये वही गेहूं है जो तुमने 3 महीने पहले बोया था, और आज इतने महीनों के बाद ये उग आया है और खेत में लहरा रहा है। यही तो है बेटा असली सोना। लेकिन ये सोना कैसा हो सकता है पिताजी? अरे बेटा, इसे बाजार में बेचोगे तो बहुत रुपए मिलेंगे और तुम्हें कई कारखाने ठेके भी देंगे। तो बताओ, समझ आई कि नहीं बात? जी पिताजी, अब बात समझ आई हम सबको। आपने हमें सोने का लालच दिलावा कर खेती का हजामत कराई और अंत में गेहूं की बुआई भी करवाई, जिसका फल हमें इस गेहूं में मिला। तो समझ गए ना बेटा, मेहनत का फल ही सोने के जैसा मिलता है, इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। जी पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, जब आप हमें समझा रहे थे तब हमने एक बात भी ना मानी, लेकिन आप हम समझ गए। और फिर उसके बाद से पुरुषोत्तम जी और उनके तीनों बेटे खेत में काम करने लगे और हर साल मेहनत करके अच्छा पैसा कमाने लगे। इलाहाबाद में सुधाकर नाम के एक मशहूर व्यापारी रहते थे। उनका कपड़ों का व्यापार था और उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सुधाकर जी की पत्नी का नाम सुजाता था और उन दोनों को एक बेटा था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर एक बहुत ही आलसी और कामचोर लड़का था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। एक दिन, अरे बेटा सुधीर, कहाँ से आ रहे हो? दोस्तों के साथ था बाबूजी, बस ऐसे ही घूमकर आ रहा हूँ। अरे बेटा, ऐसे आवारा घूमने से अच्छा तुम मेरे साथ हमारी दुकान में क्यों नहीं आते बेटा? आगे चल के ये सब तुम्हें ही संभालना है। मेरे साथ आओगे तो तुम काम भी सीख लोगे और तुम्हें अच्छा तजुर्बा भी हो जाएगा। देखिए बाबूजी, मुझे ये काम वाम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कृपया मेरे पीछे मत पड़िए, और वैसे भी आप कर रहे हैं ना काम, और सब अच्छा ही चल रहा है, फिर मेरा क्या काम है दुकान में? ये देखकर सुधाकर अपनी पत्नी की तरफ देखते ही रह गए और उनकी पत्नी सुजाता भी नाराज हो गई। फिर रात को सोने के वक्त सुधाकर जी की पत्नी सुजाता ने एक बात कही। जी सुनिए सुधीर के बाबूजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत होना। नहीं सुजाता, गुस्सा नहीं होऊंगा, कहो क्या कहना चाहती हो? देखिए, मुझे लगता है सुधीर अभी नादान है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है,
इसलिए मुझे लगता है कि अगर उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया तो शायद वो सुधर जाएगा। कहना क्या चाहती हो सुजाता, साफ साफ कहो ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम सुधीर की शादी कर दे, इससे उसे जिम्मेदारी का एहसास भी होगा और अपने काम भी करने लगेगा। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन वो सुधरेगा या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है, मेरे एक दोस्त है प्यारेलाल जी, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। उनकी बेटी के लिए वो लड़का देख रहे हैं, अगर मान गए तो उनकी बेटी सपना ही हमारी घर की बहू बनेगी। कुछ ही दिनों में सुधीर की शादी सपना से होती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं, लेकिन एक दिन सुधीर बाहर से घर आता है। अरे बेटा सुधीर, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो लड़खड़ाते हुए? कुछ नहीं बाबूजी, आज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है मुझे। क्या तुमने शराब पी है? ये क्या बात है बेटा, शराब पीना अच्छी बात नहीं होती। अरे बाबूजी, आप क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो? ये मत करो वो मत करो, अब मैं बच्चा नहीं रहा और अब तो मेरी शादी भी हो गई है। इसलिए तो बोल रहा हूँ बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अब जिम्मेदारी से काम लेना होगा, अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो बेटा। अरे बाबूजी, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये जिम्मेदारी ये काम ये सब मेरे समझ के बाहर है। ऐसा बोल के सुधीर अपने कमरे में चला जाता है। इस सोच में डूबे सुधाकर और उनकी पत्नी सुजाता दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी दुकान भी नुकसान में जाने लगती है। अरे बेटा सुधीर, जरा मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं दुकान पे नहीं जा पा रहा हूँ, अगर तुम जाकर दुकान संभालोगे तो अच्छा होगा बेटा। अरे बाबूजी, मैंने कितनी बार कहा है मुझे दुकान नहीं जाना, मुझे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप समझते क्यों नहीं हो? ये कहकर सुधीर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन खबर आती है कि सुधाकर जी के दुकान को आग लगती है और उनकी दुकान पूरी तरह जल जाती है। ये सुनते ही धक्के से सुधाकर और उनकी पत्नी सुजाता जी की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे सुधीर के पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। सुनिए, आज घर में पूरे पैसे खत्म हो गए, अब कुछ भी बाकी नहीं है, आप कुछ काम करके पैसे लाने की कोशिश कीजिए ना। अरे सुन सपना, मुझे सुझाव देने की हिम्मत कभी मत करना, अपना सुझाव अपने पास ही रखो, चलो जाओ यहाँ से। पैसे खत्म होने की वजह से एक दिन सुधीर को अपना घर भी बेचना पड़ता है और वे दोनों एक छोटे से घर में आके रहने लगते हैं। सुनिए, अब तो कुछ भी नहीं रहा घर में, अब तो कुछ काम कीजिए वरना कैसे होगा हमारा गुजारा। अरे मैंने बोला ना, मुझसे ये काम वाम करना नहीं होता, कितनी बार बताओ तुम्हें, तुम समझती क्यों नहीं हो? लेकिन फिर हम कैसे रहेंगे और खाएंगे क्या? वो सब मुझे नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। फिर रात भर सपना सोचती रहती है और दूसरे दिन। सुनिए, मैं एक बात कहूँ क्या, आप बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात है बोलो, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी से कहो। आपको मेरे हाथ की आलू टिक्की पसंद है ना? मैं सोच रही थी क्यों ना हम गांव के रेलवे स्टेशन पे आलू की टिक्की की गाड़ी डाले, वो जरूर लोगों को भी पसंद आएगी और हमारे पास थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे इस सब बातों में मत घसीटो, तुम्हें जो करना है करो, बस मेरा पिज्जा छोड़ दो और मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखो। ये सुन के सपना थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती और दूसरे ही दिन वो गांव के रेलवे स्टेशन पर आलू की टिक्की की गाड़ी लगाती है। ले लो ले लो, गर्मा गर्म आलू टिक्की ले लो ले लो। थोड़ी ही देर में सपना की गाड़ी पे लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह, ये आलू टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने बहुत दिनों के बाद खाई है ऐसे स्वादिष्ट आलू टिक्की। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लगी है ये आलू की टिक्की, वाह खा के तो मजा आ गया,
देखते ही देखते सपना की आलू टिक्की पूरे गांव में मशहूर हो गई और अब तो गांव में होने वाली शादी और त्योहारों में भी सपना ऑर्डर लेने लग गई थी। फिर एक दिन सुधीर ऐसे ही गांव के चौराहे में बैठा रहता है, तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे सुधीर, क्या चल रहा है? तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव में अपने आलू टिक्की से मशहूर हो गए हैं, लेकिन तुम तो अभी भी आवारा घूमते रहते हो और अपना वक्त बर्बाद करते रहते हो। अरे जाओ भाई, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, जाओ यहाँ से। अरे सुधीर, जरा सोचो, तुम जो रोज की दारू पीते हो वो किसके पैसे से आते हैं? अब तो तुम्हारे बाबूजी का दुकान भी नहीं है जो तुम्हें पैसे देंगे। फिर जरा सोचो कि पैसे तुम्हारी पत्नी देते है ना, फिर उसके साथ काम करने में या उसका मदद करने में क्या शर्म है। ये बोल के वो आदमी वहां से चला जाता है और सुधीर सोचता है, बात तो इसने ठीक कही है। जब बाबूजी थे तो उनके पैसों से मैंने दारू पी, पर अब तो अपनी पत्नी की मेहनत की कमाई को दारू में उड़ा रहा हूँ। हे भगवान, मैं कितना नालायक हूँ जो इतने मेहनती बीवी की कोई मदद भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी घर जाता हूँ और अपनी बीवी की माफी मांगता हूँ। सपना, अरे ओ सपना। जी कहिए, क्या हुआ? सपना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें हमेशा बेइज्जत किया, तुम्हारे काम में हाथ तक नहीं बटा सका, मुझे माफ कर दो सपना। उठिए, ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे पति हो, मेरे भगवान, ऐसा मत कीजिए। मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन कल से आपको मेरे साथ आलू टिक्की की गाड़ी पे हाथ बटाना होगा, ठीक है ना? ठीक है सपना, जो बात मुझे वक्त रहते समझ जानी चाहिए थी वो मैं आज इतने सालों के बाद समझ गया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और फिर दूसरे दिन से ही सपना और सुधीर दोनों एक साथ आलू टिक्की बेचने लगे।